नमस्कार, एक बात पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं सर्वेश कुकरा इस वक्त हिसार के क्रांतिमान पार्क में हूँ। विनय वत्स नाम आपने सुना होगा, जेजेपी के बड़े नेता थे इसलिए क्योंकि वो पार्टी छोड़ चुके हैं। बरवाला उनका कार्यक्षेत्र रहा है और वो कुछ देर बाद ही पत्रकारों से बातचीत में इस बात का खुलासा करेंगे कि पार्टी क्यों छोड़ी, पार्टी छोड़ने की वजह क्या थी और क्या जेजेपी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है या फिर गड़बड़ झाला। सबसे पहले तो पूरे हरियाणा को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान राम आप सबके जीवन में बहुत खुशियां दे, ये हम सब की तरफ से आपको दुआएं हैं। जाति से ब्राह्मण हूँ, नाम मेरा विनय वत्स है और शायद कुछ साथी होंगे जो मुझे नहीं जानते होंगे हरियाणा में। आज आप सब साथियों से रूबरू होने का मेरा एक जो मेन विषय है वो यह है कि मैंने एक हफ्ते पहले दुष्यंत जी को अलविदा कहा था, परंतु तब से सभी साथियों के फोन आ रहे थे कि जी आपने दुष्यंत जी को अलविदा कहा क्यों है। उसी सिलसिले में अलग अलग लोगों का जवाब दूं, इससे अच्छा है कि आप जैसे मीडिया के हमारे जो साथी यहाँ पहुँचे हैं, आप सबके माध्यम से पूरे हरियाणा में यह आवाज जाए कि हमने दुष्यंत जी को छोड़ा क्यों है। दुष्यंत जी मेरे बड़े अजीज मित्र हैं। आज से 10 साल पहले जब मैं दुष्यंत जी के साथ जुड़ा तो उनकी मित्रता को देखकर ही मैं इतना प्रभावित था कि मैंने उनके साथ बहुत समय अच्छा बिताया, परंतु जब से सत्ता आई है तब से ये मित्रता धीरे धीरे कम होने लगी। कारण था दुष्यंत जी के चाणक्य, जो ये कहते हैं कि हम हैं जिन्होंने दुष्यंत जी को डिप्टी सीएम तक पहुंचाया है। मैं आप सबके माध्यम से दुष्यंत जी से एक इल्तजा करना चाहता हूं कि मैं तो चलो छोड़ गया, राजनीति में पार्टियां बदलना एक बहुत साधारण बात है, कभी कहीं, लेकिन बड़ा दुखी मन से दुष्यंत जी को छोड़ा। उनको बड़ा अच्छा नेता मानता था मैं, और लेकिन बात आएगी उन चाणक्यों की जिन्होंने ये कहा कि हमने दुष्यंत जी को बनाया है और हम ही हैं जो सर्वे सर्वा हैं। उन चाणक्यों की नीतियों से दुष्यंत जी को बचने की आवश्यकता है। वो चाणक्य जो आज जो साथी हमारे युवा साथी दुष्यंत जी के प्रत्येक कार्यक्रम में नारे लगाते हैं, आया आया डिप्टी सीएम आया, आया आया सीएम आया, तो पोजीशन ये ना हो जाए कि भाई आया आया सीएम का नारा तो छोड़ें, कभी आया आया डिप्टी सीएम भी ना रहें। जो मेरे जैसे या हरियाणा के और पदाधिकारी लेवल तक के लोग आज उस स्थिति में बैठे हैं कि वो ये सोच रहे हैं कि आज काम बने, कल बने, परसों बने, आज नहीं लगा लगा के पागल हो चुके हैं हमारे साथी। आज की परिस्थिति ये है कि दुष्यंत जी को खुद सोचने की आवश्यकता है कि पार्टी में हो क्या रहा है। आप सबको बुलाने का और ये जो बात मैंने कही है इसको कहने का सिर्फ और सिर्फ मकसद मेरा यही था, मैं पार्टी छोड़ चुका हूँ, मेरे सारे साथी पार्टी छोड़ चुके हैं। हरियाणा में खास तौर पे हमारे जिले में हम दो ब्राह्मण थे, पहला रामकुमार गौतम जी, दूसरा मैं, जो दुष्यंत जी की पार्टी को आगे बढ़ाने में और खास तौर पे ब्राह्मणों के वोट दिलवाने में सक्षम थे। परंतु पहले तो रामकुमार जी गौतम जी का तो आपको सबको पता ही है, एक तरफ बैठा दिए हैं वो, दूसरा आज ये स्थिति आ गई है कि मेरे को भी एक साइड में बैठा दिया। हमने वोट दिलवाए थे हमारे दम पे और वो दुष्यंत जी को दिलवाए थे, ना कि चाणक्यों को। आज दुष्यंत जी से सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के माध्यम से एक ही बात कहना चाहूंगा कि मैं, मेरे सभी साथी और खास तौर पे हरियाणा का ब्राह्मण आपसे बहुत दूर जा चुका है, और उसके साथ साथ मेरे सर्वजातीय साथी जो मेरे से जुड़े हैं और जिन्होंने मेरे कहने से दुष्यंत जी को वोट दिए थे, आज दुष्यंत जी के चाणक्यों की वजह से दुष्यंत जी को मैं अंतिम प्रणाम करता हूँ। और जो मेरे साथी हर रोज मुझसे फोन करके ये पूछ रहे थे कि विनय जी आप पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं, पार्टी छोड़ने का कारण मैंने आपके माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दिया है। यही मेरी आप लोगों से विनती है कि इसको पूरे हरियाणा तक बात पहुंचाएं। चाणक्य में कौन कौन से मिले? चाणक्य बहुत हैं दीपेश, चाणक्य वो लोग हैं जो आम वर्कर, आम नेता पार्टी का, वर्कर तो फिर नीचे हैं। एक आपको वैसे कहना चाहूंगा, जब बड़े चौटाला साहब का राज था तो पार्टी का जो आम से आम गली का वर्कर था ना, वो ये कहता था मैं चौटाला हूँ, अधिकारी की कुर्सी हिलती थी।
आज की पोजीशन क्या है कि वर्कर तो छोड़ें आप, जो पार्टी के नेता हैं वो अधिकारियों के दरवाजे के बाहर दो दो घंटे खड़े रहते हैं, तो क्या समझें उस बात को? ये निर्बलता है, यही सच्चाई है। और एक्चुअली राजनीति में नामों की चर्चा करना सर्वेश जी ज्यादा अच्छा नहीं है, दुष्यंत जी जानते हैं उनके चाणक्य कौन है। वो लोग कहते हैं कि हमारी 15-20 की टीम थी जिन्होंने दुष्यंत जी को इस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि हम पिछली सरकार में कितनी सीटों पे थे और आज हमारे कितनी आई जब हम अलग हुए। ये आप लोगों का माध्यम जो मैंने चुना इसीलिए तो चुना है, दुष्यंत जी तक तो चाणक्य पहुंचने ही नहीं देते लोगों को। बड़े बड़े जो स्थानीय नेता हैं वो लोग लाइन में लग के मिलवाते हैं दुष्यंत जी से। क्रांतिमान पार्क में जब मैंने सबसे पहले राजनीति शुरू करी थी युवा से, मैं एक रोड शो निकाल के लेके आया था 5,000 बाइकों का छोटी सातरोड़ से, और यहीं से मैंने आशीर्वाद लिया था सर्वप्रथम। और आज जब मैं नई जो चीज सोच रहा हूँ तो वो भी इन्हीं के चरणों से शुरू हो तो ज्यादा अच्छा है। कौन सी पार्टी में जाने का इरादा है? पार्टी में जाने का अभी तो कोई इरादा नहीं है, अभी तो कुछ समय आत्म मंथन करना चाह रहे हैं कि हमने कहाँ गलती करी, क्यों करी और किसने हमसे वो गलती करवाई। आज आत्म मंथन का समय है, कुछ समय खुद पर दे रहे हैं, कुछ समय बाद देखेंगे, साथियों को बुला रहे हैं दिवाली के ऊपर, उनसे विचार विमर्श करेंगे कि क्या करना चाहिए भविष्य की राजनीति के लिए। आपने दो बातें कही, एक आपने कहा कि चाणक्य खराब कर रहे हैं, दूसरा आपने कहा कि अधिकारियों के बाहर जो है दफ्तरों के बाहर जो है वर्कर्स को काफी इंतजार करना पड़ता है, जो अधिकारियों के बाहर की बात होगी वो सरकार के ऊपर बात आती, तो दो बातें अलग अलग होगी। यहाँ समस्या बीजेपी की नहीं है, यहाँ जिस पार्टी से मैं हूँ हमारी कितनी चलती है, हमारी इसलिए नहीं चल पा रही है क्योंकि वो जो 5-7 लोग ऊपर बैठे हैं ना, वो लोग ये चाहते कि पहले हम लोग उनके पास जाएं, फिर वो लोग उन अधिकारियों को फोन करें, फिर हम वहाँ जाएं। अब मेरे साथ खास तौर पे हिसार जिले का ब्राह्मण समाज जुड़ा हुआ है, उस ब्राह्मण समाज का दायित्व मेरा है, जवाबदेही मेरी है, उसके अलावा अन्य जातियों के साथी मेरे बरवाला हल्के के लोग, हिसार शहर के लोग, वो लोग तो मेरे पास आते हैं, मैं हर साथी के लिए वहाँ चाणक्यों के पास जाऊँ, फिर वो चाणक्य यहाँ फोन करें, फिर मैं यहाँ पहुँचूँ, तो वो तो मेरे लिए एक बहुत छोटी राजनीति हो गई। आज इसीलिए मैंने फिर ये फैसला किया कि अब यहाँ शायद पार नहीं पड़ने वाली, बीजेपी वालों को खूब चलती है, हमें भी नीचा दिखाने में कसर थोड़ी छोड़ी जा रही है। कौन सी पार्टी ठीक ठाक काम कर रही थी आपकी नजर में? सर्वेश जी, पार्टियां तो सभी ठीक ठाक काम करती हैं, अगर उसका सर्वे सर्वा अच्छे से सुने तो हर एक की, यहाँ समस्या अच्छे से सुनने की है। तो आप दुष्यंत जी के सामने भी तो ये बातें आपकी रख सकते थे? दीपेश, दुष्यंत जी से 2-3 बार इन बातों के विषय में चर्चाएं हुई, लेकिन उसका कुछ सकारात्मक पहलू मेरे सामने आया नहीं, इसीलिए फिर ये कदम उठाना पड़ा है। मैं यहाँ गठबंधन पे बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं सिर्फ मेरी पार्टी का नेता था, जो हमारे सर्वे सर्वा हैं वो तो एडमिनिस्ट्रेटर से घिरे हुए हैं। बाय चांस उदाहरण के तौर पे जब वो हिसार जिले में आते हैं ना, तो 3-4 महीने में एक बार आते हैं, आए उनको सारा एडमिनिस्ट्रेटर घेर लेता है, DC, SP, उनके गार्ड, आगे की जो आम वर्कर, मैं आम वर्कर के तहत बात करूंगा कि आम वर्कर जब तक दुष्यंत जी से मिलने के लिए पहुंचता है ना, तब तक तो दुष्यंत जी का निकलने का समय हो जाता है। और पार्टी के 5-7 जो, फिर वही चाणक्य है, 5-7 जो चाणक्य है ना, वो ही उनके चारों तरफ घिरे रहते हैं। सर्वेश जी, ये जिक्र मुझे क्यों करना पड़ा, चाणक्य है ना, चाणक्य ब्राह्मण थे, मैं भी ब्राह्मण हूँ, चाणक्य वो इसलिए कहलवाना चाहते हैं कि आम वर्कर उनको नमस्ते करे। दुष्यंत जी सिंगल आदमी है, उन्होंने 5-7 छोड़े तो इसलिए थे कि पूरे हरियाणा को संभालेंगे, वो 5-7 जो छोड़े ना, वो लोग वो थे जिनको उनके घर का, गांव का पड़ोसी कुर्सी पर बैठने तक के लिए नहीं पूछता, अब उनको मिल गया पूरा हरियाणा मजा लेने के लिए। जैसे ही उनको पूरा हरियाणा नमस्ते करने लगा, तो नमस्ते करने के बाद आदमी धरातल से भी आसमान तक पहुंच जाता है। इन लोगों को ढूंढना पड़ेगा चाणक्य को, उन्हें पता दे। पता है सर्वेश जी, अगर मुझे राजनीति छोड़नी होती ना, तो मैं चाणक्य को नाम भी बता देता। राजनीति के कुछ मायने हैं, आप सीनियर पत्रकार हैं, आपको
मेरे से ज़्यादा बखूबी पता है कि नामों की चर्चाएं जो आज मैं कहना चाहता था आप सबके माध्यम से वो हर जगह पहुंच जाएगी बात। यही सच्चाई है, दुष्यंत जी तक तो पहुंचने ही नहीं देते ना हम वर्कर्स को। भाई ये तो समय बताएगा, अगर आज जैसी पोजीशन रही वर्करों की, ऐसे इग्नोर किया गया वर्करों को, लीडरों को इग्नोर किया गया, तो आगे क्या व्यवस्था कर पाएंगे? वोट तो वर्कर ही मांगता है पार्टी के लिए। आदमपुर उपचुनाव मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर की बात है, तो शायद मैं आपका जवाब नहीं दे पाऊंगा। नहीं, सर्वेश जी अगर यही इलेक्शन एक दो महीने बाद होता ना तो थोड़ी दिलचस्पी दिखाते, अभी तो जो मेरी 10 साल की पीछे की मेहनत थी ना वो खराब हो गई है। मैं शायद सही जगह नहीं जुड़ पाया, जो मेरा अंतरात्मा मेरे लिए जो जवाब देती है वो शायद मैं नहीं कर पाया, तो मैं खुद ही पे ही चिंतन करने में लगा हुआ हूँ पिछले काफ़ी समय से। मैं तो साक्षी सिर्फ और सिर्फ दुष्यंत जी की नीतियों से प्रभावित था। वो एक बात कहते हैं, बोला जब भगत जो होता है सीधा भगवान को जानता है ना, तो उसको पुजारी की आवश्यकता नहीं होती। मैं सीधा दुष्यंत जी से जुड़ा था किसी समय, ये जो भगवान की मैंने संज्ञा दी है ये इसीलिए दी है क्योंकि जब मैं उनसे सीधा जुड़ गया तो मेरे को बीच में पुजारियों की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन भगवान जब एक तरफ मुँह फेर लें और पुजारियों पर छोड़ दें मंदिर को, तो वो चीज़ फिर ज़्यादा दिन चलती नहीं है। पता नहीं, डिप्टी सीएम साहब बड़े हैं। कितने समर्थकों के साथ में जेजेपी छोड़ी आप? भाई दीपेश, संख्या नहीं बताना चाहता मैं, संख्या मैं दिखाना चाहूँगा। आप सभी आमंत्रित हैं और कुछ ही समय में जब दिवाली के ऊपर मैं भव्य कार्यक्रम करूँगा, दिवाली से लगभग 20 दिन बाद, तो आप सबको संख्या का पता लग ही जाएगा। ये भी कहना चाह रहे हैं कि क्या सत्ता का नशा जो है? सत्ता का नशा नहीं कहूँगा मैं इसको, सत्ता का नशा तब चढ़ता है जब आप बहुत उलझुल तरीके से काम करें। यहाँ दुष्यंत जी बिल्कुल ठीक है, मैं बार बार आपसे यही कहना चाहता हूँ, मैं उनसे अलग हुआ हूँ लेकिन मेरे मित्रता में कमी नहीं आई है। समस्या नीचे वालों में है जिन्होंने पार्टी वर्करों को, नेताओं को साइडलाइन कर दिया है। वो खुद को दुष्यंत समझने लगे हैं, वो ये चाहते हैं कि दुष्यंत हम हैं और लोग हमें ही पूछें, हमें ही पूछें, हमारे से ही सारी बातें अच्छे से करें और हम ही उनका समाधान करें। भाई मैं बड़ा स्पष्टवादी आदमी हूँ, जब छोड़ दिया तो छोड़ दिया। मेरे शब्दों में आज तक मेरी आयु में कभी भी 19-21 का फर्क नहीं आया है। हाँ मित्रता रहेगी लेकिन राजनीतिक बदलाव नहीं होगा। अभी आपने जिक्र किया भगवान और पुजारी का, कहीं इस पूरे मामले में कोई प्रसाद या चढ़ावे को लेकर तो कोई मतभेद नहीं? प्रसाद की तो डिमांड कभी की नहीं उन्होंने, प्रसाद भी है मेरे पास, अगर प्रसाद की डिमांड होती तो प्रसाद भी चढ़ा देते, लेकिन जब पुजारी भगवान के पैरों के हाथ लगा देता है तो प्रसाद की तो कहीं बीच में सारे बात रही नहीं। अभी आपने राहुल कुमार गौतम का जिक्र किया था, जी क्या पार्टी छोड़ने से पहले राम कुमार गौतम से आपका कुछ जिक्र है? एक्चुअली जी राम कुमार गौतम जी बड़े सीनियर साथी हैं, उनसे जो हमने शिक्षा ली है ना इस राजनीति की, जो हमारे सभी सीनियर साथियों से, राम कुमार जी की जो नीतियाँ हैं वो अलग हैं, मेरी जो नीतियाँ हैं अलग है। ना तो मुझे किसी से आशीर्वाद लेने की आवश्यकता, इतना मैं सक्षम हूँ कि मैं मेरी राजनीति खुद के भरोसे कर सकता हूँ। विजय जी आखिरी सवाल है गहराई का, तो आपको पता होगा जेजेपी के अंदर कितने लोगों ने पार्टियां छोड़ दी हैं, आपका कौन सा नंबर है? अभी रिसेंट में जो मैं बात करूँ, पिछले 15 दिन में मेरा नंबर पहला था, उसके बाद बहुत से ऐसे साथी थे जिन्होंने पार्टियां छोड़ी हैं, उनमें से जिला अध्यक्ष से लेके पलवल की तरफ के सुरेंद्र सरोता जी है, उसके बाद में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शीला फोगाट जी, और एक महिला हमारी और साथी थी नेत्री जिन्होंने पार्टी छोड़ी है, पानीपत की पूरी इंसो टीम ने पार्टी छोड़ी है। एक बात और कहना चाहूँगा मैं, जब ये इलेक्शन आए ना 2019 के,
कब जो टिकट वाला जो इंसिडेंस चला ना, उस समय पे अकेला मैं था जो बरवाड़ा हल्के में टिका था। हमारे बड़े, आप शायद सभी जानते होंगे, हमारे बड़े अच्छे साथी थे तरुण जैन, वो पार्टी छोड़ गए। राजू तलवंडी था, वो पार्टी छोड़ गया। मुनीश गोयल जी थे बरवाड़ा से, वो पार्टी छोड़ गए। सरकार बनी उसके बाद जितेंद्र सोरान से तो शायद सभी परिचित हैं, जो अपने हिसार से इलेक्शन लड़े थे, वो पार्टी छोड़ गए। एक महिला नेत्री थी, बड़ी दमगनी से बात करती हैं, सूरा सूरा नाम है उनका, अनुसूरा जी, वो पार्टी छोड़ गई। तो सब ये जो घटनाक्रम घटा ना, ये सब उसी से मिलता जुलता है। आज मैं आप लोगों के सामने आ बैठा हूँ, वो लोग अपने चुपचाप पार्टी छोड़ गए, इतना ही फर्क था बस। क्या मैसेज देना था? मैसेज कुछ नहीं, मैं सबसे पहले तो यही आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि पूरा ब्राह्मण समाज पहले भी कभी इस परिवार के साथ जुड़ के ज़्यादा खुश नहीं था। हम जुड़े थे, हमने सोचा था शायद नया है तो बदलाव आएगा, लेकिन वो बदलाव की बजाय पूरा का पूरा ऐसा ही चल रहा है सिस्टम। तो मैं पूरे ब्राह्मण समाज से, मेरे लोगों से, मेरे अन्य जातियों के साथियों से विनती करता हूँ कि मैं तो छोड़ चुका हूँ भाई, अगली राम राम तारी।